हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी फैक्ट अबाउट द कंट्री फ्रांस। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी फैक्ट्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे शेयर करते हैं crazy and interesting facts with knowledge and fun. So without wasting much time, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी फैक्ट्स अबाउट फ्रांस। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कैमरा फ़ोन आप डेली यूज़ करते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट कैमरा फ़ोन वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस इन ईयर 1997। हम डेली कैमरा फ़ोन से अपनी सेल्फी खींचते हैं, कितना पॉपुलर ये हो चुका है। तो सबसे पहले जो कैमरा फ़ोन इन्वेंट किया था वो फ्रांस में इन्वेंट किया गया था, और जिस पर्सन ने इसे इन्वेंट किया था उसका नाम था फिलिप कहन, और उन्होंने ईयर 1997 में इसे इन्वेंट किया था। उसके बाद ये कितना पॉपुलर है आप सभी जानते ही हैं। फिलिप कहन ने सबसे पहले जब इसको इन्वेंट किया तो उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न डॉटर की एक फ़ोटो खींची और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया था। तो ये फर्स्ट फैक्ट था फ्रांस के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट। सेकंड नंबर पे जो फैक्ट है फ्रांस के रिगार्डिंग वो है कि आप नोबल प्राइज़ के बारे में तो जानते होंगे, जो कि डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि पीस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर का नोबल प्राइज़ जो अभी तक जिन लोगों को दिया गया है उसमें फ्रांस नंबर वन है, यानी कि फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम टाइम लिटरेचर के फील्ड में नोबल प्राइज़ को अभी तक वन किया है, जीता है। एंड ये सेकेंड फैक्ट था फ्रांस के बारे में। थर्ड फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि फ्रांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ विजिटेड बाई टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट दे विजिट फ्रांस एवरी ईयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कितने पीपल विजिट करते हैं, अराउंड 89 मिलियन पीपल विजिट फ्रांस एवरी ईयर। 89 मिलियन पीपल इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एंड दे विजिट फ्रांस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंड नंबर पर जो कंट्री आता है जो विजिट करते हैं लोग वो है स्पेन, जिसमें 82 मिलियन पीपल दे विजिट स्पेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड थर्ड नंबर पर जो कंट्री है वो है USA, जिसमें 78 मिलियन पीपल विजिट करते हैं एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और फोर्थ नंबर पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि फ्रांस का जो शेप है अगर आप उसको देखें तो वो है एक हेक्सागन की तरह। हेक्सागन एक ऐसी शेप होती है जिसमें 6 साइड्स होती हैं। तो अगर हम फ्रांस के मैप को देखें, ज्योग्राफिकल मैप को देखें, उसकी शेप को देखें तो एक हेक्सागन की तरह होती है। तो फ्रांस को एल हेक्सागन भी कहा जाता है इसकी शेप की वजह से। एंड लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फ्रांस इज़ दैट हमने सभी ने सुना है कि फ्रेंच टोस्ट सभी को खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक क्रेजी फैक्ट है कि फ्रेंच टोस्ट को फ्रांस में इन्वेंट नहीं किया गया था, ऑल्दो इट इज़ नेम्ड एज फ्रेंच, क्योंकि इसको जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था एक पर्सन जिसका नाम था जोसेफ फ्रेंच, और वो न्यूयॉर्क में उन्होंने इस फ्रेंच टोस्ट को इन्वेंट किया था और सबसे पहले इसे कुक किया था। उसके जोसेफ फ्रेंच के नेम पर इसका नाम फ्रेंच टोस्ट पड़ गया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे फ्रेंड्स फ्रांस के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हम आते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे और क्रेजी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।